नहीं किया गया आज, तो हम पूरा समाज इस बात का ऐलान करता है कि हम कल से अपनी सारी सब्जी मंडियों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करेंगे। और जब जब हाईवे जाम किए जाएंगे, जब जब समाज में हमारी सरकार हमारी समाज की बातों को नहीं सुनेगी, तो हम भी अपने भाइयों के साथ उन रोड़ों पर उनके साथ बैठेंगे अपने बच्चों को लेकर। इसकी घोर निंदा करती हूँ मैं, इसकी घोर निंदा करती हूँ। शांतिपूर्वक ढंग से जो हमने आंदोलन किया, फिर भी हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज किया गया, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और सरकार से मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, फिर हमें हमारे समाज को उग्र रूप लेना पड़ेगा। अभी हमने 12 सितंबर को जो रेल रोको आंदोलन किया था, तो उस पर सरकार ने हमें 9 जून हमको 9 सितंबर को ही जयपुर बुलाया गया हमारी कमेटी को। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से ये कहना चाहूँगी कि हम भी इसी राजस्थान के अंदर आते हैं, हम ही इसी राजस्थान की प्रजा हैं, तो हमारी मांग को अपने मद्देनज़र रखते हुए हमसे एक बार वार्ता तो करें। राजस्थान में सैनी समाज द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और सैनी माली समाज के लोग लगातार मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। उसी क्रम में आज कामा क्षेत्र में सैनी समाज के लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है और रैली निकाली है। आज हमारे साथ फूले आरक्षण समिति की प्रदेश प्रवक्ता हेमलता कुशवा मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है और उनकी क्या क्या मांगे हैं। जी, पहले तो आपका स्वागत है RD न्यूज पर। धन्यवाद। आपकी क्या क्या मांगे हैं और आप किस तरीके से सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? हमारी सबसे पहले मांग तो हमारी 12% आरक्षण की है, क्योंकि हम पूरे राजस्थान के अंदर 1.5 करोड़ से लेकर के 2.25 करोड़ की आबादी में आते हैं, जिसका अनुपात कम से कम 12% आता है। OBC के अंदर 27% जो आरक्षण है और हमारी जो आबादी है वो 12% है, उसका लाभ हमें मिल नहीं पाता है, इसीलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ को उठाना हमारा हक है सरकार से, तो हमारा इसमें कोई क्राइम नहीं किया है हमने। और आज हमने जो कामा में जो सभा रखी, तो उसमें पहली मांग तो हमारी यही है आरक्षण सरकार से जो हम मांग रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जो 16 तारीख को हमारे भाई CP सैनी ने, जो फुले ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं, और चंद्र प्रकाश सैनी जी ने जो शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांगों को रखने के लिए जो वहाँ आंदोलन किया, उसको वो समाप्त करके जब घर लौट रहे थे सुबह करीब 4 बजे, तो उनको धोखे से गिरफ्तार किया गया, उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ये निंदनीय है, क्योंकि अपने अधिकारों की मांग को रखने के लिए सरकार ने ही हमें अधिकार दिया है और हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, तो उन्होंने अनैतिक तरीके से हमारे सभी भाइयों को लगभग 84 भाई बंधुओं को उन्होंने अरेस्ट किया है और उनको अभी तक उन्होंने रिहा नहीं किया है। उनकी रिहाई के लिए आज हमने कामा में SDM साहब को ज्ञापन दिया है, ताकि वो उनको सूचना दे सकें और उनको रिहा किया जाए, हमारे भाई बंधुओं को। साथ में जो हम ये 12% की आरक्षण की मांग रख रहे हैं, उस पर भी सरकार हमारी विचार करे इस बात पर, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, वो एक गांधीवादी नेता हैं और शांतिप्रिय ढंग से ही पूरे प्रदेश को चलाते हैं, और हम भी गांधी जी के ही रास्ते पर चलते हैं। और हमारा जो समाज है बहुत शांतिप्रिय समाज है, भोला भाला समाज है, छल कपट हमारे समाज में किसी को आता नहीं है। अपनी बात को हम भी पूरे ही शांति ढंग से रख रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को शांति से ही सुने, क्योंकि जब कोई सज्जन पुरुष अपनी सज्जनता को छोड़ता है, तो फिर वो अपनी सारी सीमाएं तोड़ने पर मजबूर हो जाता है। सैनी समाज के लोग अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आपके आरक्षण की मांग के साथ साथ और कौन कौन सी मांगे हैं? हमारी 11 सूत्रीय मांग है। 11 सूत्री मांगों में एक मांग हमारी ये है कि हमारे जो समाज है ज़्यादातर सब्जी बेचने पर आधारित है, तो उसमें एक मांग ये भी रखी गई है कि सरकार हमें सरकारी जगह अलॉट करे, जिस पे हमारे भाई जो ठेल लगाते हैं वो एक सुचित्र रूप से खड़े होकर के अपने
सब्जियां बेच सकें। सबसे पहले आपने आरक्षण की मांग स्टार्ट की जी, अब आपने 11 सूत्री मांग और इसमें शामिल कर ली है जी। नहीं, वो 11 सूत्री मांगों में ही हमारी आरक्षण की भी मांग है, अलग से नहीं है। उन्हीं 11 सूत्रीय मांग में ये हमारी आरक्षण की मांग है जो सबसे ऊपर है। हम सबसे पहले अपने आरक्षण मांग पर ही जोर दे रहे हैं, बाकी सारी मांगें हमारी जायज़ हैं, कोई भी मांग हमारी नाजायज़ नहीं है। ऐसा ना सोचे कि कोई भी सरकार भी ये ना सोचे कि हमारी कोई भी मांग नाजायज़ है, हमने सारी मांगें अपनी जायज़ ही रखी हुई हैं। हमने अपने समाज के जो जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज सेवा में दिया है, उन्होंने सिर्फ एक समाज के लिए सेवा में नहीं दिया है, हमारे वंदनीय पूजनीय ज्योतिबा फुले और हमारी जो भारत की पहली शिक्षित महिलाएं हैं, जिनको भारत की दूसरी सरस्वती के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है, माता सावित्री बाई फुले, भारत रत्न उनको दिया जाए क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन सेवा में दिया है। और ऐसी हमारी बहुत सारी मांगें हैं जो हमने अपने समाज के सामने, हम सरकार के सामने रख रहे हैं। अगर एक एक मैं गिनाने लगूंगी तो काफ़ी टाइम लगेगा। आप सैनी समाज के जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन में क्या महिलाएं भी अपनी भूमिका निभा रही हैं? जी, महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपनी पूरी भूमिका निभा रही हैं। और महिलाएँ इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि अपने हक के लिए, अपने बच्चों के अधिकार के लिए वो रोड़ों पर भी उतरेंगी और उतर चुकी हैं। आपने इसका जो परिमाण है अरोदा हाईवे जाम पर देखा होगा, जो 16 जून, वो 12 जून को चक्का जाम हमने किया था अरोदा NH 21 को, जब हमने जाम किया तो वहाँ पर करीबन 5,000 महिलाओं की संख्या थी जिन्होंने रोड हाईवे जाम करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। अब महिलाओं की आगे क्या रणनीति होगी इस आंदोलन में, किस तरीके से महिलाएं नजर आएंगी इस आंदोलन में? बिल्कुल, महिलाएं इसी तरीके से आपके सामने आएंगी जैसे कि शांति प्रिय से हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हम अपने भाइयों के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और जब जब हाईवे जाम किए जाएंगे, जब जब समाज में हमारी सरकार हमारे समाज की बातों को नहीं सुनेगी, तो हम भी अपने भाइयों के साथ उन रोड़ों पर उनके साथ बैठेंगे अपने बच्चों को लेकर। आपकी आगे क्या रणनीति है इस आंदोलन को लेकर? हमारी आगे यही रणनीति है कि हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारी बात मान ले। अगर सरकार हमारी बात शांति से नहीं मानती है तो फिर हमें हमारे समाज को उग्र रूप लेना पड़ेगा। अभी हमने 12 सितंबर को जो रेल रोको आंदोलन किया था तो उस पर सरकार ने हमें 9 जून, हमको 9 सितंबर को ही जयपुर बुलाया गया हमारी कमेटी को। हमारी कमेटी की टीकाराम जूली साहब के साथ में वार्ता हुई और उन्होंने हमारे समाज का एक बोर्ड गठन करने का हमें आश्वासन दिया कि आपके समाज के लिए एक आपका अलग से बोर्ड गठन किया जाएगा जिसके तहत आपके समाज में विकास के सारे आपको सुविधा दी जाएंगी। और उसके बाद में उन्होंने हमसे कहा कि आपकी जो वार्ता है, जो आप CM साहब से बात करना चाहते हैं, वो हम आपकी वार्ता 13 तारीख को करवाएंगे। हमने 13 तारीख तक इंतज़ार किया लेकिन 13 तारीख को हमारी कोई वार्ता नहीं हुई। फिर उन्होंने ये कहा कि 15 को करवाएंगे, अगर 15 को पॉसिबल नहीं हो सका तो हम 16 को गहलोत जी से आपकी बात करवाएंगे, लेकिन वो हमारी वार्ता नहीं हुई है। हम समझते हैं कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, बिजी हैं, एक समाज ही उनके पास नहीं है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है उनके पास। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कहना चाहूँगी कि हम भी इसी राजस्थान के अंदर आते हैं, हम ही इसी राजस्थान की प्रजा हैं, तो हमारी मांग को अपने मद्देनज़र रखते हुए हमसे एक बार वार्ता तो करें, हमारी बातें सुने तो सही। जब पहले उन्होंने 12 जून के चक्का जाम के बाद में हमसे वार्ता की थी तो उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि एक महीने का टाइम हम ले रहे हैं और हम आपका सर्वे करवाएंगे कि आपकी वास्तविक जो जनसंख्या है वो कितनी है, आपके रोज़गार कितने हैं, आपका जो आर्थिक स्रोत है वो क्या है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उस पर अभी कोई ऐसा अच्छा काम किया गया है जिससे हमें संतोषजनक हमें कोई जवाब मिले। इसी के अंतर्गत हम गहलोत जी से बात करना चाहते थे लेकिन उनके साथ हमारी कोई वार्ता नहीं हो पाई है। हम ये चाहते हैं कि गहलोत जी हमें वार्ता का टाइम दें, हम शांतिपूर्वक से कर रहे हैं, वो भी हमारा इसमें सहयोग करें। आपको क्या राजस्थान सरकार से उम्मीद है कि आपकी मांगों को मान लिया जाएगा? बिल्कुल उम्मीद है, मान लिया जाएगा, क्योंकि हमारी कोई भी मांग नाजायज़ नहीं है,
हमने अपनी मांग जायज़ रखी है, हम इसके अंतर्गत आते हैं। सरकार हमारा सर्वे करवाए, देखे, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हमारे जो धंधे रोज़गार हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास खेती बहुत अच्छी है, हम किसान वर्ग में, हम मजदूर वर्ग में आते हैं, किसान वर्ग भी हमारे पास ऐसा है जिसमें भी हम मजदूरी ही करते हैं, कोई फुट्टे छुट्टे बुट्टे लोगों को छोड़ करके शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास अच्छी खेती बाड़ियाँ हैं जिनसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम औरों के खेतों में ही मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बच्चों को आधा पेट खा करके हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के बाद भी लाठी चार्ज कराया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश सीएम तक पहुंचाना चाहते हैं? मैंने ये बात आपसे पहले ही कही है कि मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। शांतिपूर्वक ढंग से जो हमने आंदोलन किया फिर भी हमारे भाइयों पर लाठी चार्ज किया गया, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और सरकार से मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि आगे हमारे समाज के साथ इस तरह की कोई भी बर्बरता नहीं की जाए, क्योंकि हम शांति प्रिय से कर रहे हैं, आप भी उसमें हमारा सहयोग करें, अन्यथा फिर हमें उग्र रूप तो लेना पड़ेगा। ये थी आरक्षण संघर्ष समिति की प्रवक्ता हेमलता कुशवाहा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार हमारी मांगों को गौर करे, अन्यथा